तो यहाँ पे गांव में सबका साग फेवरेट होता है, और मकई की रोटी और साग खाते ये हैं। हाँ खाते हैं। हाँ। ठीक है, चावल जब बन जाता है तो मार पसता है इस तरह से, देखिए पूरा जो है इसका पानी निकल जाएगा। और इसमें हुई तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब किसी बात को लेकर, तो वो उसके। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो नहीं बनाते थे, हरदम बोलते थे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग सोचते होंगे कि आप यूट्यूब छोड़ दिए हैं, आप वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करिए। मेरा गूगल पिन भी आने वाला है, तो $10 हो गया है। तो आप लोग $10 से थोड़ी ना होगा, आप लोग देखिएगा वीडियो, वायरल करवाइए। मेरा वीडियो उतना नहीं चलता है। सो फाइनली हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहे हैं, लगभग जो है 10 दिन हो गए। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या बात है। तो मैं आपको बता दूँ कि हम गए थे धनबाद, वहाँ से जब हम आए तो हमारा मूड ही ख़राब हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो भी मतलब व्यवस्था थी बहुत ही बेकार थी, और पूरा मतलब पैसा भी बर्बाद हो गया हमारा वहाँ पे जाके, और पूरा मतलब मेहनत भी बेकार हो गया, और ऊपर से कष्ट अलग से हुआ, तबीयत ख़राब हो गई। 4-5 दिन तो तबीयत ही ख़राब रही, इसलिए वीडियो नहीं आया। उसके बाद जब तबीयत सही हुई तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब किसी बात को लेकर, तो वो उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो अभी जो फ़िलहाल हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अब से जो है रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो आज का ब्लॉग जो है वैसे हम शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ और आप यहाँ की अम्मी भी बार बार बोल रहे थे कि वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो नहीं बना रहे हैं, है ना। और आप यहाँ भी देखिए यहाँ पे आ गई है, और ये अम्मी क्या जो है मतलब बिंदी जो है वो उखाड़ रही थी अभी। सो गाइस, आप लोग जो है बस सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत ही मतलब कि ये देखिए बात कर रही है, देखिए बात कर रही है। हेलो हेलो हेलो, देख रहे हैं आप कैसे हैं? ये नानी नाना से बात करती हैं फोन पर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही दूर में रहते हैं, तो यहाँ से हेलो हेलो हेलो। ये देखिए ये बिंदी उतार रही है, देख रहे हैं आप। और उधर देखिए हम जो है बैठे हुए हैं, उधर गाय गाय को नहीं बकरी को जो है हम लोग घास खिला रहे हैं, उधर देख सकते हैं आप। सो ये देखिए ये है जाहिद, ये मेरा भैगना है, और ये बकरी के लिए घास जो है लेके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आफिया जो है सुबह सुबह जो है झूले पे चढ़ चुकी है, और ये देखिए आफिया मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको पहले, आफिया गुड मॉर्निंग बोलो सबको, जल्दी गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग आफिया। तो इसने गुड मॉर्निंग बोल दिया ही करके। बकरी वगैरह जो है अपना अपना सुबह का नाश्ता कर रही है। यहाँ पे देखिए गांव की ज़िंदगी ऐसी ही होती है यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पे आफिया तो आपको पता ही है, और आज जो है आफिया का इस झूले वाला जो है बाजे का बैटरी जो है वो डाउन हो गया था, तो ये देखिए यहाँ पर बैटरी सूखने के लिए दिया गया है, देख सकते हैं आप। और आफिया जो है अभी मज़े में, और आफिया जो है अभी मज़े में झूले पे हैं। अभी अभी तक इसको चलना नहीं आया, सोच सकते हैं गाइस कि 1 साल हो गए अभी तक इसको चलना नहीं आया। मेरे को तो बड़ा टेंशन हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रही है। बाद में सब बोलते हैं कि बीच में ठंड जो आ गई ना, इस वजह से ये मतलब कि फास्ट मतलब कि ग्रो नहीं हुई, और ना ही चलना सीखी अभी तक। नहीं तो बहुत बच्चे जो है 9 महीने में चलना सीख जाते हैं, तो लेकिन अभी तक ये झूले पे ही आराम कर रही है, देख सकते हैं ना आप। आप यहाँ ये देखिए कितने बजे स्कूल जाते हो अरमान? 6:30 बजे। 7:30 बजे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लोटस वैरी पब्लिक स्कूल। लोटस वैरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। ये मेरा भतीजा है, छोटा वाला भतीजा है ये, और वो बैगना है, और ये पढ़ने जाता है प्राइवेट स्कूल में। कितने बजे टाइम है, टाइमिंग कितनी है? कितने बजे आता है? 8 बजे और बंद होता है 9 बजे। यानी कि 8:30 बजे गाड़ी आती है और 9 बजे पहुंचा देती है ना, 9:30 बजे। ओह तो ये है, उसको देखिए
और गाइस आपको चलिए घर दिखाते हैं। अब घर में क्या हो रहा है, नाश्ता जो है तैयार यहाँ पे हो रहा है, खाना बन रहा है। और ये है हमारी भाभी जी, ये देखिए हंस रहे हैं तो कभी कभी चले आते हैं। भाभी जी कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। ठीक है, जैसो भाई देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है मलवाधन खोल रहा है। हाँ, चावल मतलब कि चार इसमें गिराया हुआ है, अधन नहीं है। अधन तो पहले होता है जब पानी खोलता है और चावल, हाँ चावल डालने से पहले। ठीक है, तो ये गांव में इसी तरह से खाना बनाता है, तो मैंने दिखाया हुआ है। आज सब्जी में क्या बन रहा है? आलू का भाजी बन रहा है। चलिए तो आपको भाभी जी से मिला दिए, अब आपको बाहर ले चलते हैं। गाइस आपको चलिए दिखाते हैं हमारा जो है फूल जो हमने ऑनलाइन मंगाया था वो कहाँ तक जो है ग्रो हुआ है। तो अब जो है हमें वैसे मस्त लग रहा है क्योंकि एक छोटा सा फूल जो है इसमें निकला है, तो आपको वो दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इसमें एक फूल निकला है, ये देखिए, देख सकते हैं गाइस आपको ये वाला जो फूल है ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलर का फूल जो है निकला है, ये देखिए। ये जो अमरूद है, अमरूद का मतलब कुछ भी नहीं हुआ इसमें, अभी कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें धूप तो लगती नहीं है इसलिए जो है अमरूद में कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सा साइड से ये निकला है, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला है ना गाइस, ये वाला साइड से देखो एक मतलब कि पनकी इसमें निकला है, पनकी मतलब कि कोंपले इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये भी बढ़ नहीं रहा है। और ये केला जो है अब धीरे धीरे मोटा हो रहा है, यानी केले में जो है केले का रंग रूप अब आ रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं है ना गाइस, ये देखिए। और आपको दिखाते हैं एक जो नया हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये दीवार पहले नहीं थी, ये जो दीवार है यहाँ पे ये दीवार पहले नहीं थी, ये दीवार जो है मतलब परसों जो है यहाँ पे लगाई गई है, ताकि जो है मतलब कि एक रूम वो हो जाएगा, एक रूम ये हो जाएगा, ये वाला एक रूम ये हो जाएगा। तो ये कुछ नया हुआ है इतने दिनों में। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए भाभी जो है साग और रोटी लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आज साग बना था, कल साग बना था, इनका फेवरेट है। तो यहाँ पे गांव में सबका साग फेवरेट होता है, और मकई की रोटी और साग खाते हैं। हाँ खाते हैं। ठीक है, ठीक है भाभी जी, जाइए, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मार पसाना। क्या बोलते हैं? मतलब कि चावल जब बन जाता है तो मार पसता है इस तरह से, देखिए पूरा जो है इसका पन निकल जाएगा और इसमें चावल जो है बच जाएगा। तो गांव में जो है इसी तरह से बनाते हैं। और तो ये चावल अच्छा होता है कि कुकर वाला चावल अच्छा होता है? कुकर वाला चावल, क्योंकि उसमें टाइम मतलब कि कम लगता है और हाँ, तो ये बात भी सही, क्योंकि सारा पानी विटामिन तो निकल जाता है इसमें, ये जो होता है इसमें, और इसमें जो है हाँ सिट्ठी रह जाता है। लेकिन फरहर चावल लेकिन इसी में बनता है। और यहाँ पर देखिए हमें जो है सब्जी की तैयारी कर रही है उधर, ये देखिए ये है पिट्ठा गाइस, पिट्ठा जो है चावल का पिट्ठा बनाया जाता है, वो तो पता ही है, और इसको खाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। और ये बीच बीच में जो है अपने नाना से और नानी से भी बात करती रहती है, हाथ से ही हेलो हेलो करती रहती है। चलो आप ही हेलो 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 हेलो। तो ये है गाइस पिट्ठा, मैंने इसका जो है वीडियो बना दिया है कि कैसे बनाया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में चावल का पिट्ठा, चावल के मैं चावल का आटा बताया, मैंने वीडियो भी तो बनाया, आपने देखा होगा।
सो गाइस खाना जो है आ चुका है गरम गरम, दाल चावल और ये भुजिया, आलू और मुरई की जो है टमाटर घुराई सबका भुजिया बना है मस्त, और इसमें हरा धनिया भी डाला हुआ ये देख सकते हैं गार्दिश। तो चलिए खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी जो है हमारे साथ अमन बैठा हुआ है, ये देखिए पूरा जो है अपना डॉक्यूमेंट लेके आया आज, MTS का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है हवलदार के लिए वो मतलब कि भरवाने के लिए आया है, पढ़ाकू बच्चा है। तो छत पे बैठे थे, सोचा कि मतलब यहीं पे भर देते हैं, नीचे जाने में मतलब कि बहुत ठंड लग रही थी इसलिए डॉक्यूमेंट इससे मंगवा दें, यहीं पे भर रहे हैं। और इसका मोबाइल का जो है चार्ज ख़त्म हो गया था, तब अभी मैंने अपना मोबाइल नीचे से मंगवाया, चार्ज में लगा हुआ था तो मिला दिए। अमन कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तैयारी करना पड़ेगा तब जाके पास होंगे। तैयारी करवे करेंगे। फॉर्म भर दिया, चलो भाई अब हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता, पैसा तो बर्बाद थोड़े करेंगे। ठीक है, सो गाइस आप लोग भी पढ़ने में ध्यान दीजिए जो भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए इनका फॉर्म भर देते हैं।